हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल एस के स्मार्ट टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल चार्जर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल का चार्जर ख़राब हो जाता है और बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, या फिर मोबाइल का चार्जिंग पॉट यदि ख़राब हो गया तो कुछ दिनों के लिए हम इसका उपयोग करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यह है यूनिवर्सल चार्जर। आप देख पा रहे हैं इसमें दो पॉइंट होते हैं, स्प्रिंग की सहायता से बैटरी को इसमें दबा के हम लोग चार्ज करते हैं। ये स्टील की दो प्लेट आपको दिख रही है ऊपर, इसमें बैटरी को हम लोग फंसाते हैं। ये है, ये इसमें से एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। ये देखिए, इसी पॉइंट पे हम लोग बैटरी को फंसाएंगे और बैटरी को वहाँ से करंट मिलेगी और चार्ज होगा। ये आपको मार्केट में 60 से 100 रुपया तक मिल जाएगा। ऑनलाइन ये 250-300 रुपया मिलता है, बट अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। ये देखिए, ये नोकिया मोबाइल का ये बैटरी है, डुप्लीकेट बैटरी है। ये सैमसंग की है और 3 पिन बैटरी मॉडल है ये, जिसमें 3 पिन है। और ये एक स्मार्टफोन का बैटरी है, इसको खोल के देखता हूँ। ये देखिए, ये भी 3 पिन की है और ये एक जोलो मोबाइल है, इसके अंदर लगा हुआ है 4 पिन की बैटरी। आप देख पा रहे हो ये 4 पिन है इसमें। तो आप इससे कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें हम 2 पिन 3 पिन ही चार्ज कर सकते हैं, इसमें आप 4 पिन भी चार्ज कर सकते हो। क्योंकि बैटरी का में पर कितना भी चार्जिंग पॉइंट हो, बट वास्तव में उसमें प्लस माइनस एक एक ही होता है। आपको यूनिवर्सल चार्जर के ये टर्मिनल पे सटाना है बैटरी के पॉइंट, और यूनिवर्सल जो चार्जर होता है वो रिवर्स करंट से इसके अंदर एक ये एलईडी जलती है। आप देख पा रहे हो, मैंने अभी इसमें करंट दिया नहीं है और ये रेड कलर का एक एलईडी जल रहा है। ये देखो, ये अच्छे से जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये रेड एलईडी जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये जब रेड एलईडी जलने लगा, इसका मतलब है कि बैटरी हमारा चार्जिंग के लिए कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें एसी करंट में इसे प्लग करेंगे और ये देखो, जैसे ही मैंने इसमें एसी करंट प्लग किया, ये पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ है एलईडी से और ये एलईडी ब्लिंक करने लगा, यानी ये चार्ज होने लगा। बस आपको नोटिस करना है कि वो रेड कलर का जो एलईडी है वो कंटिन्यू जलता रहे, अगर वो नहीं जलेगा तो बैटरी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बैटरी कनेक्ट होने का सिग्नल वही देता है। ऐसे आप अगर इसे बिना बैटरी के भी करंट दोगे तो ये एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। तो ये देखो, ये डेकोरेट किया हुआ है, ये अच्छे दिखने के लिए एलईडी इसमें लगा दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाता है, यानी काफ़ी दिन तक यदि हम कोई मोबाइल छोड़ देते हैं तो वो डेड हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में भी आप इस यूनिवर्सल चार्जर का उपयोग करके बैटरी को फिर से रीचार्ज कर सकते हो। और ये देखो, हम एक स्मार्टफोन का बैटरी ले रहे हैं, ये 3 पिन का है। ये देखो, इसमें एलईडी जला यानी कनेक्ट हो गया है। इसमें जब हम करंट देंगे तो ये इसका अदर एलईडी भी ब्लिंक करेगा। ये एसी ऑन की निशानी है, ये जल रहा है। जैसे ही हम इस बैटरी हिल गया था, जैसे ही कनेक्ट किए, इसके सारे एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है, 3 पिन का हम इसमें स्मार्टफोन के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। फुल चार्ज के लिए आपको कम से कम 6-7 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्लो और सेपरेट चार्ज करता है, और यदि हम लो एम्पियर पे चार्ज करेंगे तो कोई भी बैटरी चार्ज करने में 6 घंटा से कम नहीं लगेगा, अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो तो। आपको इसमें लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एलईडी जो है ये बैटरी से ही करंट लेके जलता है। तो अगर आप कंटिन्यू छोड़ दोगे इसको प्लग करके और करंट यदि नहीं दोगे तो ये उल्टा बैटरी को रिवर्स डिस्चार्ज कर देगा। और ये है जोलो का, ये जो
चार पिन का बैटरी है, इसको भी एक बार हम लोग चार्ज करके देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो चार पिन है, ये है, ये प्लस माइनस, मैंने इसके लिए आपको इंडिकेट भी कर दिया है। ये चार पिन है, एक प्लस एक माइनस और बाकी का सिग्नल के लिए है। ये हो गया, इसको हम लोग हटाते हैं और ये चार पिन वाले बैटरी को भी कनेक्ट करके देखते हैं कि ये यूनिवर्सल चार्जर इससे चार्ज कर पाएगा या नहीं, यानी चार पिन के बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये एलईडी इसमें जल गया, यानी रिवर्स करंट आ रहा है, ये देखो एलईडी जल रहा है। और इसमें जैसे ही हम करंट देंगे ये इसका एलईडी अदर एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, यानी ये चार्ज होना शुरू हो गया है। तो इसमें हम कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चाहे किसी भी मॉडल का मोबाइल हो, ओपन होने वाला यानी मैनुअल बैटरी यदि लगा हुआ है तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं। यूनिवर्सल चार्जर पहले बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था, आजकल इसकी प्रचलन कम हो गई है क्योंकि स्मार्टफोन आने के बाद से चार्जिंग का फॉल्ट और किसी प्रकार का फॉल्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि अच्छे ब्रांड अब मोबाइल बना रही है, जो भी छोटे मोटे कंपनियां थी अपने आप बंद हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करो। ये हमने वो बैटरी इस मोबाइल में डाला तो मोबाइल भी ऑन हो रहा है, ये देखो। तो अगर आपके पास भी पुराना यूनिवर्सल चार्जर पड़ा हुआ है तो आप उसको उपयोग में ला सकते हो, या फिर कोई बैटरी यदि डेड हो गई है तो अपने यहाँ यूनिवर्सल चार्जर खरीद के उसका उपयोग कर सकते हो। और इसका ऐसे प्लग हम लोग फोल्डिंग कर सकते हैं, काफ़ी कम जगह लेता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।